हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो मेरे पास जो ये क्वेश्चन है वो यूपी टीईटी 2011 का है और प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं सीडीपी के सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था, सेकेंड है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, थर्ड है पूर्व क्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये स्टेज जो है वो पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना कब शुरू करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, बच्चों के बौद्धिक विकास के चार सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग के द्वारा, सेकंड है एरिक्सन के द्वारा, थर्ड है स्किनर के द्वारा एंड फोर्थ है पियाजे के द्वारा। टू का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि अभी मैंने बताया, पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेदनात्मक। लेकिन छोटे बच्चों के बारे में जब पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर होता है अग्रसक्रिय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल के मैदान में, सेकंड है विद्यालय एवं कक्षा में, थर्ड है ऑडिटोरियम में एंड फोर्थ है घर में यानी कि गृह में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। फर्स्ट, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एंड फोर्थ, कक्षा में पूर्ण नीरवता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, सेकंड है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर एंड फोर्थ है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकार से, सेकंड है गणितीय विकार से, थर्ड है पठन विकार से एंड फोर्थ है व्यवहारिक विकार से। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवन का ऑप्शन सी, पठन विकार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालय में एंड डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन वन, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ यानी कि समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ऑप्शन ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, ऑप्शन बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है एंड डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो नाइन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारा, कक्षा पाँच के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को यानी जिन्हें कम दिखाई देता हो, फर्स्ट ऑप्शन है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माप करना उचित है, सेकेंड ऑप्शन है उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, और डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो टेन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, यानी अगर वो देख कम सकते हैं तो अगर वो अच्छे से सुन पाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स यानी कि जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, ऑप्शन ए श्यामपट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना एंड ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? फर्स्ट, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। सेकंड, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। थर्ड, यह समय बिताने में सहायक होगा। एंड डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो समय बिताने में जो सहायक है वो तो एकदम से निगेटिव वे में चला जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, परिवार एक साधन है। फर्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा का। सेकंड, औपचारिक शिक्षा का। थर्ड, गैर औपचारिक शिक्षा का। एंड फोर्थ, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार जो है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, ये आप सभी जानते हैं, तो ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। सेकंड, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। थर्ड, आदर्श रूप में वर्ताव कर या फिर व्यवहार कर। एंड फोर्थ, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श रूप में वर्ताव कर, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने टीचर को आइडल मानते हैं, तो जब टीचर खुद अच्छे रूप में व्यवहार करेंगे, वर्ताव करेंगे, तो बच्चे भी सोचेंगे कि हाँ, अगर सर ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी इस तरह इन्हें फॉलो करना चाहिए, हमें भी इस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। सेकंड, कक्षा में समयानुवर्ती होना। थर्ड, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। एंड फोर्थ, एक सुवक्ता होना, यानी कि अच्छा बोलने वाला होना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने वाला। एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो कि अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझे और उन्हें दूर कर पाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, श्यामपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? फर्स्ट, श्रव्य साधन। सेकंड, दृश्य साधन। थर्ड, दृश्य श्रव्य साधन। एंड फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो श्यामपट को तो आप सिर्फ देख सकते हो, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य साधन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए, श्यामपट पर लिखना। ऑप्शन बी, प्रश्नों को हल करना। ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना। एंड ऑप्शन डी, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें फर्स्ट, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। सेकंड, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। थर्ड, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एंड फोर्थ, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति को प्रतिपादित किया। तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके सीटेट, यूपीटेट, बीटेट कोई भी एग्जाम में ये आया है क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना चाहिए। फ्रॉबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करोगे? फर्स्ट, बच्चा की उपेक्षा करेंगे, यानी कि उसके जो बच्चे होंगे उसकी उपेक्षा करेंगे। सेकंड, अभिभावक को लिखेंगे। थर्ड, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। एंड फोर्थ, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लगाएंगे? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, उसे श्यामपट आदि साफ करने का कार्य देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पृथक पृथक संजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। फर्स्ट ऑप्शन, उसके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। सेकंड, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। थर्ड, दूरदर्शन के प्रभाव पर। एंड फोर्थ, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, यानी कि उनके जो भाई होते हैं, बहन होते हैं, उन पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन वन, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 23, आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करोगे? फर्स्ट, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। सेकंड, विद्यालय को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उनमें बैठाने के लिए बोलेंगे। थर्ड, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। एंड फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में आपको हमेशा पॉजिटिवली आंसर देना है, ठीक है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीक सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है
फर्स्ट ऑप्शन है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षा देने की जरूरत ही ना पड़े। सेकंड, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। थर्ड, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एंड फोर्थ, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। फर्स्ट, व्यक्तित्व निर्माण में। सेकंड, कक्षा शिक्षण में। थर्ड, अनुशासन में। एंड फोर्थ, इनमें से सभी। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। फर्स्ट, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। सेकंड, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। थर्ड, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। एंड फोर्थ, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि फर्स्ट, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। सेकेंड ऑप्शन, पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। थर्ड, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। एंड फोर्थ, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना। क्वेश्चन नंबर 28, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। फर्स्ट, सुनिर्मित पाठों में। सेकंड, स्वतंत्र अध्ययन में। थर्ड, नियोजित निर्देश में। एंड फोर्थ, अभ्यास पुस्तिकाओं में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप फर्स्ट ऑप्शन है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। सेकंड, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। थर्ड, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। एंड फोर्थ, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप फर्स्ट, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। सेकंड, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। थर्ड, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। एंड फोर्थ, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अकॉर्डिंग रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। पेपर का सेकंड भाग है, प्रथम भाषा हिंदी। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? फर्स्ट है अधिकरण कारक, सेकंड है कर्म कारक, थर्ड है संप्रदान कारक, एंड फोर्थ है अपादान कारक। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो कौन सा कारक लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपादान कारक, छत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है यशस्वी, सेकंड है सत्याग्रही, थर्ड है युधिष्ठिर, एंड फोर्थ है अश्वारोह। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, शैव कहते हैं फर्स्ट, जो शक्ति की उपासना करते हैं। सेकंड, जो शिव की उपासना करते हैं। थर्ड, जो विष्णु की उपासना करते हैं। एंड फोर्थ, जो किसी की उपासना नहीं करता है। तो जो शिव की उपासना करते हैं उनको शैव कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, वाचाल कहते हैं फर्स्ट, जो जल्दी चलता है। सेकंड, जिसकी चाल ठीक ना हो। थर्ड, जो बहुत बोलता है। एंड फोर्थ, जो चुप रहता है। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जो बहुत बोलता हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द है,
फर्स्ट क्रिया, सेकंड क्रिया विशेषण, थर्ड विशेषण एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो श्याम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक निर्देश दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 38 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें प्रयुक्त उपसर्ग को चुनकर लिखिए। ठीक है, तो उपसर्ग तो आप लोगों को पता ही होगा कि शब्द के पहले आकर उनका अर्थ चेंज कर देता है। ठीक है, तो 36 का क्वेश्चन जो है उसमें आपको अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अव, सेकंड है उप, थर्ड है अति एंड फोर्थ है अप। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अप। ठीक है, अपमान में आप अप लगा दोगे तो अपमान हो जाएगा। तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो कि शब्द से पहले आकर उसका मतलब जो होता है, उसकी मीनिंग जो होती है, उसको चेंज कर देते हैं, तो अप हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, तो इसमें आपको उपसर्ग ढूंढना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 38, पराजय। तो पराजय का जो उपसर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परा। नेक्स्ट है निर्देश दे रखा है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 41 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को आपको ढूंढना है। 39 का शब्द है घुमक्कर, तो घुमक्कर में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद आकर उसके मीनिंग्स को चेंज कर देता है या फिर कुछ अलग बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्कर। घुमक्कर में अक्कर प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, डिबिया। तो फर्स्ट है इया, सेकंड है आ, थर्ड है आई एंड फोर्थ है ई। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, इया। क्वेश्चन नंबर 41, भिक्षुक। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है ये ढूंढना है आपको। फर्स्ट है अ, सेकंड है ऊ, थर्ड है उक एंड फोर्थ है अक। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक, भिक्षुक। क्वेश्चन नंबर 42, द्विगु समास का उदाहरण है। फर्स्ट माता पिता, सेकंड यथाशक्ति, थर्ड नवग्रह एंड फोर्थ पीताम्बर। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि द्विगु समास क्या है और द्वंद्व समास क्या है। तो जिसमें योजक चिन्ह रहते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और जिसमें गणितीय वर्ड से रिलेटेड होता है, संख्याओं का मतलब यूज किया जाता है, वो द्विगु समास हो जाता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवग्रह। ठीक है, 9 यूज हुआ है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वनाम के कितने भेद हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड है 5, थर्ड है 7 एंड फोर्थ है 4। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन, 6। 45 से लेकर 47 के लिए एक निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिसमें कि चार एक ही शब्द लिखे गए हैं। ठीक है, आनुषंगिक लिखा गया है यहाँ पर, तो उसमें से जो करेक्ट है वो चुन के निकालना है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन, आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर 46 में है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत अक्षरी एंड अंताक्षरी। तो 46 में जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। 47, सुषमा, सुषमा, सुषमा एंड सुषमा। तो ये तो आप सबको पता ही होगा, एक मतलब लड़की का नाम भी है इसमें, तो काफ़ी इजी सा था। तो सुषमा हो जाएगा ये वाला सही। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। फर्स्ट है नीरद, सेकंड नीरज, थर्ड अंबुज एंड फोर्थ अंबू। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरद। नीरज जो है वो बादल का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 49, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। फर्स्ट दूरदर्शी, सेकंड दत्तचित्र, थर्ड कुशाग्र बुद्धि एंड फोर्थ जितेंद्रिय। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जितेंद्रिय। जो कि इंद्रियों को जीत ले उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। 50, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। फर्स्ट संज्ञा, सेकंड सर्वनाम, थर्ड अव्यय एंड फोर्थ विशेषण।
तो आह जो है इस तरह के जो भी शब्द होते हैं वाह फिर या फिर आहा ही इस टाइप के शब्द अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? फर्स्ट नदी, सेकंड पानी, थर्ड इलायची एंड फोर्थ प्यास। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पानी। क्वेश्चन नंबर 52, पवन का संधि विच्छेद है प अवन, सेकंड ऑप्शन है प वन, थर्ड है पो अन एंड फोर्थ है पौ अन। तो 52 में आपको करेक्ट आंसर चुनना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पोवन। नेक्स्ट है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा फर्स्ट मनहरथ, सेकंड मनहोरथ, थर्ड मनोरथ एंड फोर्थ मनहरथ। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन मनहरथ। नेक्स्ट है विद्यार्थी उदाहरण है फर्स्ट वृद्धि स्वर संधि का, सेकंड गुण स्वर संधि का, थर्ड व्यंजन संधि का एंड फोर्थ दीर्घ स्वर संधि का। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दीर्घ स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, दिग्भ्रम उदाहरण है फर्स्ट विसर्ग संधि का, सेकंड अयादि स्वर संधि का, थर्ड व्यंजन संधि का एंड फोर्थ यन स्वर संधि का। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी व्यंजन संधि का। अगला है आकाश पताल के बीच लगने वाला चिन्ह है फर्स्ट अल्प विराम चिन्ह, सेकंड विषम यादि बोधक चिन्ह, थर्ड योजक चिन्ह एंड फोर्थ उद्धरण चिन्ह। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी योजक चिन्ह। तो ये जैसे कि माता पिता हुआ, भाई बहन हुए, इस तरह के कोई भी जो शब्द लगते हैं उसमें योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है फर्स्ट सर्वनाम, सेकंड क्रिया, थर्ड क्रिया विशेषण एंड फोर्थ विशेषण। 57 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी विशेषण। यह नई साड़ी है, ठीक है, तो नई जो है वो विशेषण हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, फर्स्ट आम्र, सेकंड दूध, थर्ड शहीद एंड फोर्थ खिड़की। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन आम्र। यदि यहाँ पे आम लिखा हुआ रहता तो वो तद्भव हो जाता, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आम्र लिखा गया है जो कि संस्कृत का शब्द है इसलिए ये तत्सम हो जाएगा। 59 है दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, फर्स्ट बैंक, सेकंड अमीर, थर्ड अग्नि एंड फोर्थ मोह। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोह, क्योंकि यहाँ पे जो मोह है वो तद्भव है, अगर यहाँ पे तत्सम रहता तो ये मुख रहता। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? फर्स्ट दिनकर, सेकंड रवि, थर्ड अंशुमाली एंड फोर्थ यामिनी। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यामिनी। क्वेश्चन नंबर 61 से इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो है टेक, चीफ एंड बिहेव। तो इसमें प्रीफिक्स कौन सा यूज किया जा सकता है? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मिस, यानी कि मिस्टेक, मिसचीफ एंड मिसबिहेव। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डिल्स, फिर ब्लैंक है और फिर राइस दिया गया है। ऑप्शन है इन, सेकंड ऑप्शन है विथ, थर्ड है एट एंड फोर्थ है ऑन। तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन इन। क्वेश्चन नंबर 63, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो है स्पून एंड माउथ। फर्स्ट है फ्लाई, सेकंड है वाई, थर्ड है ईआर एंड फोर्थ है फुल। तो 63 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्पूनफुल या फिर माउथफुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। तो यहाँ पे जो है लिखा गया है सेल वी गो टू द जिम नाउ, सेल वी गो टू द जिम नाउ। फर्स्ट है आई एम टू ट्राइड, सेकंड है आई एम वेरी गुड, थर्ड है नॉट एट ऑल एंड फोर्थ है आई सपोज यू कैन।
264 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, आई एम टू टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, फर्स्ट है टॉल, सेकंड है गर्ल, थर्ड है मेट एंड फोर्थ है बॉय। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन वन टॉल। क्वेश्चन नंबर 66, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। तो यहाँ पे एशियंट लिखा गया है, फर्स्ट है न्यू, सेकंड है मिंट, थर्ड है एजड एंड फोर्थ है सेग। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एजड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो है प्लेंटी, फर्स्ट ऑप्शन है लॉट, सेकंड है स्क्वेज, थर्ड है गिफ्ट एंड फोर्थ है बोनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन लॉट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। राइट प्रॉपरली फुल स्टॉप, डोंट राइट एट ऑल। तो ऐसे शब्द को इसमें से चुनना है जो कि इन दोनों को जोड़ सके। फर्स्ट ऑप्शन है बट, सेकंड है एंड, थर्ड है सो एंड फोर्थ है और। तो इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन डी, राइट प्रॉपरली और डोंट राइट इट ऑल। तो यानी कि मतलब आपको लिखना है तो अच्छे से लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंस। सी इज प्रिटी फुल स्टॉप, सी इज प्राउड। तो फर्स्ट ऑप्शन है बट, सेकंड है बिकॉज, थर्ड है व्हाइल एंड फोर्थ है नॉट। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वन बट। सी इज प्रिटी बट सी इज प्राउड, वो सुंदर है बट घमंडी है। क्वेश्चन नंबर 70, आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव्स वेयर येलो एंड स्टिकी। तो इसमें वर्ब ढूंढना है आपको, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेयर। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो लवली है, इसमें एंटोनिम ढूंढना है आपको, तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन टॉल। तो अपोजिट है लवली का, अपोजिट अगली हो ही जाएगा, ड्रव हो जाएगा और ऑफुल भी काफ़ी हद तक हो जाएगा, लेकिन टॉल जो है वो कभी भी नहीं हो पाएगा। 72, चूज द बेस्ट आंसर, व्हाट इज योर सिटी लाइक। फर्स्ट है आई हैव नो आइडिया, सेकंड है इट्स स्मॉल बट नाइस, थर्ड है आई लाइक इट अ लॉट एंड फोर्थ है आई डोंट लाइक इट। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट्स स्मॉल बट नाइस। क्वेश्चन नंबर 73, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। तो इसमें आपको एडवर्ब ढूंढना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाउडली। क्वेश्चन नंबर 74, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे आपको ड्रग का अपोजिट चुनना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन वन फ्लूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो एबिलिटी का अपोजिट चुनना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इनएबिलिटी। तो बहुत लोग यहाँ पे डिसेबिलिटी को भी देख रहे होंगे, लेकिन डिसेबिलिटी जो होता है वो एक प्रकार का विकार होता है, ठीक है। तो इससे बहुत बेस्ट हो जाएगा इनएबिलिटी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो नाइफ का प्लूरल चुनना है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पे रिसीव का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है आपको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 77 का ऑप्शन डी, आर ई सी ई आई वी ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग ही ढूंढना है आपको, तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें आपको मतलब जो गलत है उसको ढूंढना है, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैथमेटिक्स। क्योंकि यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग लिखा गया है वो एम ए टी एच ई एम ई टी आई सी एस लिखा गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे एम ई टी आई सी एस जो लिखा गया है वो एम ए टी आई सी एस होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, विच इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर ढूंढना है, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। फर्स्ट है म्यूजिक जैक लव्स, सेकंड है म्यूजिक लव्स जैक, थर्ड है जैक लव्स म्यूजिक एंड फोर्थ है जैक म्यूजिक लव्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ ब्लैंक। तो इस ब्लैंक्स को भरना है आपको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हर। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट आर वर्ड दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन डी, पैलिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो बॉक्स का प्लूरल ढूंढना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें आपको चुनना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीफ। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट ऐड ईआर एट इट्स एंड एंड फ्रॉम अ न्यू वर्ड। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आप ईआर ऐड नहीं कर पाओगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 86 का ऑप्शन सी, टाइमर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, दे आर नॉट डैश पीपल हेयर। तो इसमें करेक्ट आंसर ढूंढना है आपको, तो ऑप्शन बी, मेनी। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यू शुड डैश योर होमवर्क। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डू, यू शुड डू योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 90, चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन ऐड ly एट द एंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने UPTET 2011 के CDP हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, बचे हुए मैथ्स और EVS के क्वेश्चंस हम इसके अगले वीडियो में कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।